इन चेहरों पर दिख रही ये खुशी आज के भगवान यानी डॉक्टरों के द्वारा दी गई खुशी है, जिसने एक ही परिवार के चिराग को नया जीवन दिया है। दरअसल ये मामला फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का है, जहां डॉक्टरों ने एक मरीज की एंजियोप्लास्टी महज 4 मिनट 12 सेकंड की रिकॉर्ड टाइमिंग में कर दी और मरीज को नया जीवन दे दिया। आपको बता दें कि फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी के कुलदीप हार्ट के मरीज हैं, जिन्हें सीने के दर्द की शिकायत के बाद उनकी पत्नी बीके अस्पताल लेकर पहुंची, जहां मरीज की ईसीजी करने के बाद बाई नस में 100% ब्लॉकेज पाया गया। ईसीजी के बाद अचानक मरीज बेहोश होकर वहीं फर्श पर गिर गया, जिसके बाद बिना देर किए डॉक्टरों की टीम ने कुलदीप को कैथ लैब में ले जाकर पहले 2 शॉक दिए और फिर कुलदीप की एंजियोप्लास्टी शुरू कर दी। देखते ही देखते मात्र 4 मिनट 12 सेकंड में ही मरीज की बाई नस में हुए ब्लॉकेज को रिकॉर्ड टाइमिंग में खोलकर उसे नया जीवन दे दिया गया। वीटी चल रहा था तो उसका एक ही इलाज होता है कि हमारे को उस टाइम पे पेशेंट को बिजली के झटके देने होते हैं, तो हमने तुरंत वही दिया। 2 बार बिजली के पेशेंट को झटके दिए, उसके बाद वो होश में आया। जैसे ही होश में आया, बिन कोई समय ना गवाते हुए हमने उसको तुरंत कैथ लैब में शिफ्ट किया। कैथ लैब में शिफ्ट करते ही और बाहर निकालने में हमारा टोटल प्रोसीजर टाइम 15 मिनट का था, जिसमें एग्जैक्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं 4 मिनट 12 सेकंड में हमने पेशेंट के अंदर जो हम करते हैं सारा काम, प्रोसीजर डालना, स्टंट डालना, तारे डालना, एंजियोग्राफी करना, वो करके हम बाहर निकले। अक्सर अस्पतालों में देखने को मिलता है कि जब तक मरीज के कागजात पूरे नहीं हो जाते या फिर जब तक ऑपरेशन की फीस जमा नहीं हो जाती, तब तक मरीज का इलाज शुरू नहीं होता। लेकिन बीके अस्पताल में ऐसा नहीं था। डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मरीज का ऑपरेशन शुरू कर दिया और उसे नया जीवन दे दिया। सुनिए कुलदीप की पत्नी सुमन का क्या कहना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, स्टाफ भी सारा अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं सब। 4 मिनट की देरी और होती तो शायद, हाँ नहीं, हमारे बीच नहीं रहते। वहीं मरीज कुलदीप ने कहा कि डॉक्टरों की तारीफ के लिए उनके पास शब्द नहीं है। ये डॉक्टर नहीं, मेरे लिए तो भगवान है। सुनिए क्या कहा कुलदीप ने डॉक्टर और अस्पताल के बारे में। सर शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना अच्छा व्यवहार मिला। टोटल स्टाफ भी बढ़िया है और केयरिंग भी अच्छी है। मैं तो कहूँ लोग प्राइवेट में पैसे बर्बाद करने से एक बार यहाँ आके देखे तो उनकी भी फीलिंग में आ जाएगा, हाँ भाई कुछ होता है। यकीनन सरकारी अस्पतालों की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों की ओर आम जनता का रुझान भी बढ़ रहा है। सरकारी व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हो रही हैं। बहरहाल फरीदाबाद के सिविल अस्पताल ने रिकॉर्ड समय में एंजियोप्लास्टी करके अन्य अस्पतालों के लिए एक नजीर तो स्थापित कर ही दी है। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।